Hello students, in our today's video we are going to start our chapter number 2 of history, that is earliest society. Earliest means प्रारंभिक होता है, societies means समाज. okay, जो हमारा पहले का समाज या पहले की जो societies हैं उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं. कैसे कैसे जो हमारा early human था उसके बारे में सब चीज़ पढ़ेंगे. ओके, कि कैसे उसने धीरे धीरे से उसमें डेवलपमेंट हुआ. ठीक है, वो सब चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं. एंथ्रोपोलॉजिस्ट एंड आर्कियोलॉजिस्ट हैव ट्रेस्ड ह्यूमन हिस्ट्री बैक टू अबाउट 500,000 BCE. ओके, जो मानव विज्ञानी एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे या फिर आर्कियोलॉजिस्ट हैं, जिसको पुरातत्व विज्ञानी भी बोलते हैं, उन्होंने ह्यूमन हिस्ट्री को ट्रेस किया. उनको कुछ अवशेष मिले ह्यूमन हिस्ट्री के जो कि 500,000 साल पहले के थे, 500,000 ईयर्स बिफोर क्राइस्ट के थे. ओके, बिफोर कॉमन एरा. ह्यूमन बींग्स हैव पास्ड थ्रू अ लॉन्ग प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन फ्रॉम देयर एप लाइक एंसेस्टर टू द प्रेजेंट फॉर्म. जो ह्यूमन बींग्स हैं उन्होंने बहुत सारी लॉन्ग प्रोसेस चली. ठीक है, एक एप, एक लंगूर से जो हमारे एंसेस्टर से, जो हमारे पूर्वज है, और अब जो हम एक्चुअल में हैं, जो हमारी प्रेजेंट फॉर्म है, उसमें क्या क्या इवोल्यूशन हुए, कैसे कैसे वो प्रोसेस चली. ठीक है, ये सब से वो कैसे कैसे गुजरे, ये सब चीज़ उसमें बताई गई. इन फैक्ट इन द अर्ली स्टेजेस बींग ह्यूमन बींग्स रिसेंबल एप्स. अर्ली जो स्टेजेस थी उसमें ह्यूमन बींग कैसे लगता था, एप्स की तरह लगता था, लंगूर की तरह. दे हैड अ हेयरी बॉडी एंड कुड नॉट स्टैंड और वॉक इरेक्ट. उनकी बॉडी जो थी वो हेयरी थी और वो सीधे से नहीं चल पाते थे. ओवर द सेंचुरीज दे वेंट थ्रू सेवरल फिजिकल चेंजेस. और जैसे जैसे सेंचुरीज बीतती चली गई, वैसे वैसे ही उसमें फिजिकल चेंजेस, जो उसकी बॉडी थी उसमें बहुत सारे चेंजेस आते गए. Their jaws shrunk, their brains developed. उनका जो जबड़ा था वो shrunk, मतलब सिकुड़ गया. उनका ब्रेन जो है वो डेवलप हुआ. एंड दे स्टार्टेड वॉकिंग अपराइट ऑन टू फीट्स. उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, उन्होंने अपने अपराइट टू फीट्स पर शुरू करना, सीधे होके अपने टू फीट्स पर चलना शुरू कर दिया. एट दिस लेड टू द चेंजेस इन बिहेवियर पैटर्न ऑल्सो. इसी से ही उनके बिहेवियर पैटर्न में भी चेंज हुआ. मैं आपको पिक्चर शो कर रही हूँ कि अर्ली मैन जो पहले कैसे चलते थे और फिर इरेक्ट सीधे चलने लग गए. पहले एप की तरह चलते थे. ठीक है, धीरे 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 बॉडी में क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ. पहले एप की तरह दिखते थे तो जो ये जॉ है वो श्रंक हो गया और फिर ऐसे दिखने लग गए. ओके, अब आगे है. ह्यूमन लाइक एनिमल्स दैट वॉक अपराइट वर नोन एज होमिनाइड्स. ह्यूमन लाइक एनिमल्स जो थे, जो सीधे खड़े होकर चलते थे, उनको हम क्या बोलते थे, होमिनिड्स बोलते थे. देयर इज नो एविडेंस दैट मेड देयर ओन टूल्स. ऐसा कोई एविडेंस हमारे पास नहीं है जिससे पता चले कि वो अपने टूल्स बनाते थे, अपने औजार बनाते थे. दे यूज स्टिक्स एंड बोन्स टू हेल्प देम डिग एंड डिफेंड देम सेल्फ. वो क्या करते थे, स्टिक्स और हड्डियों का यूज करते थे कुछ किसी भी चीज की खुदाई करने के लिए और अपने आप को डिफेंड करने के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए. द सेकेंड टाइप ऑफ अर्ली ह्यूमन लिविंग ऑन द अर्थ वाज होमो इरेक्टस. सेकेंड टाइप ऑफ अर्ली ह्यूमन जो था ना, आदि मानव था, उसको हम होमो इरेक्टस बोलते हैं, विच मीन्स पर्सन हु वॉक्स अपराइट, जिसका मतलब है कि एक पर्सन जो सीधा खड़ा होकर चलता था. द फाइनल टाइप ऑफ होमिनिड्स लिव ऑन द अर्थ इज होमो सेपियंस. जो फाइनल टाइप का जो होमिनिड, जो ह्यूमन अर्ली ह्यूमन था अर्थ पर जो रहा, उसको हमने क्या बोला, होमो सेपियंस. होमो सेपियंस मीन्स पर्सन हु कैन थिंक. होमो सेपियंस का मतलब क्या है, पर्सन जो सोच सकता है. ऑल ह्यूमंस लिविंग ऑन द अर्थ टुडे आर होमो सेपियंस. और जितने भी ह्यूमन बींग्स जो अब यहाँ पर अर्थ पर रहते हैं उनको हम क्या बुलाते हैं, होमो सेपियंस. ओके, आगे है. इट इज बिलीव दैट द अर्लीएस्ट होमिनिड्स लिव अराउंड 4.4 मिलियन ईयर्स आगो इन द ह्यूमिड. ऐसा माना जाता है कि जो अर्ली ह्यूमिनिड्स थे ना, वो 4.4 मिलियन ईयर आगो रहते थे. किसमें, ह्यूमिड फॉरेस्ट में, जो गर्म जो फॉरेस्ट थे ईस्टर्न और साउथ अफ्रीका के, वहां पर. द फॉसिल्स ऑफ अर्ली ह्यूमन हु लिव बिटवीन 2 and 6 मिलियन ईयर्स आगो कम एंटायरली फ्रॉम द अफ्रीका. जो 2 to 6 मिलियन ईयर्स आगो के जो अर्ली ह्यूमन्स के जो फॉसिल्स है ना, अवशेष हैं, वो वहीं से ही आए हैं, यानी पूरे अफ्रीका से ही मिले हैं. They spread to Europe, Asia and Australia between 35,000 BCE and 12,000 BCE.
यूरोप, एशिया और ऑस्ट्रेलिया में कब फैले? 35,000 BCE से 12,000 BCE तक वहां पर वो फैले। इवेंचुअली दे माइग्रेटेड टू नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, और फिर क्या हुआ, जैसे जैसे टाइम चेंज होता चला गया तो वो वहां से पलायन करते गए, वहां से माइग्रेट होते चले गए नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका में। ओके, नाउ अब जो है एजेस, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। स्टोन एजेस क्या है? ठीक है, स्टोन एज के बारे में पढ़ते हैं। द स्टोन एज रेफर्स टू द प्री हिस्टोरिक पीरियड। प्री हिस्टोरिक मीन्स प्रागितिहास काल, जो हमारी हिस्ट्री है उससे भी पहले का जो पीरियड है, दैट इज कॉल्ड स्टोन एज पीरियड। ओके, द स्टोन एज रेफर्स टू द प्री हिस्टोरिक पीरियड ड्यूरिंग विच स्टोन वॉज वाइडली यूज टू मेक इम्प्लीमेंट्स विद अ शार्प एज। स्टोन एज वो है जब स्टोन का बहुत बड़े उस पे वाइडली यूज होता था। स्टोन किसके लिए? टूल्स बनाने के लिए, शार्प एज वाले। द पीरियड एंडेड विद द एडवेंट ऑफ मेटल वर्किंग, और ये पीरियड कब एंड हुआ? जब हमने मेटल मेटल से वर्क करना शुरू कर दिया, जब मेटल नॉन में आ गया। द स्टोन एज इज ऑल्सो डिवाइडेड इंटू थ्री डिफरेंट पीरियड्स। अब स्टोन एज को थ्री डिफरेंट पीरियड्स में डिवाइड कर दिया गया बेस्ड ऑन द डिग्री ऑफ सोफिस्टिकेशन इन द मेकिंग ऑफ यूज टूल। जैसे जैसे टूल्स का यूज बढ़ता चला गया, और टूल्स डिफरेंट टाइप्स के होते चले गए, उन्हीं के बेसिस पर स्टोन एज को डिवाइड कर दिया गया। स्टोन एज जो है वो थ्री टाइप्स में डिवाइड हुई, दैट इज पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक एज। क्लियर? ये थ्री टाइप्स ऑफ स्टोन एज है। तो जो हमारे नेक्स्ट वीडियो है उसमें ही हम इन एजेस के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।